नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप। आज हम सीखने वाले हैं, अगर तुम साथ हो, कितना प्यारा सॉन्ग है। चलो बांसुरी में सीखना शुरू करते हैं। थोड़ी देर पहले बजाया वो सी नेचुरल स्केल की फ्लूट में मैंने बजाया है, हम सीखने वाला है एफ मिडल स्केल की फ्लूट में, क्योंकि मुझे आपको एक तरीका बताना है जो कि यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया है और आप सभी को पता ही है। मैं अलग तरीके से समझाता हूँ, ऐसे समझाता हूँ अगर कोई अभी सीखना शुरू ही किया है फिर भी समझ जाता है। जिस तरीके से इस सॉन्ग को मैं सिखाऊंगा पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेना, इस तरीके से किसी ने नहीं सिखाया है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बांसुरी में सिखाने वाला हूँ। जब हमारा बिगिनर लेवल होता है तब हम अच्छे से नहीं बजा सकते, हम वो तीखे सुर ऊपर के हम नहीं बजा सकते। इसको आसान सुर में मैंने कन्वर्ट करके आपके लिए है ये लेसन बनाया है, हर कोई बजा सकता है, चाहे 2-3-5 महीने से बजाता हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन, पल भर ठहर जाओ, अच्छा आगे मैंने आपको बताया एक ट्रिक है जो YouTube पे किसी ने नहीं बताई है, वो क्या है, मंद्र सप्तक का म बजाना। अगर आपको पता है तो आप मुझे कहेंगे कि सर ये तो हमको पता है, जो ट्यूनिंग वॉल है उसको बंद करेंगे तो मंद्र सप्तक का म बजेगा। लेकिन ऐसी बांसुरी होगी अगर ट्यूनिंग वॉल ही नहीं है तो उसमें मंद्र सप्तक का म कैसे बजाएगी, कैसे बजेगा देख लो। छोटी बांसुरी में ट्यूनिंग वॉल नहीं होता, इसीलिए ये लास्ट वाली उंगली को ऐसे यहाँ पे रखना है, प म प, मंद्र सप्तक का प, मंद्र सप्तक का म, प, ठीक है। आशा रखता हूँ आपको साउंड में चेंज दिख रहा होगा। अब पहली लाइन शुरू होती है, पल भर ठहर जाओ, आहा बस पहली लाइन में ही यूज आता है ये मंद्र सप्तक के म का। यहाँ पे उंगली लाके छोड़ देना है, यहाँ पे रखना नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे एक बार यूज करना है। पहला शब्द है पल भर, तो नी धनी, पल भर ठहर जाओ, तो ठहर जाओ, सनी द प म प, देखो सनी द प म प, यहाँ पे मंद्र सप्तक का म बजता है ऐसे, ठीक है। जाओ वो इफेक्ट आता है, ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस करके बता दिया। ये लाइन दो बार रिपीट होगी, फिर से शब्द के साथ बता दूं, पल भर ठहर जाओ, ठहर जाओ, सानी द प म प, ठहर जाओ, सानी द प म प। इसको ऐसे प्ले कर सकते हैं, पल भर जो गायकी अंग है उस तरीके से, नीर धनी नीर धनी, यहाँ पे देखिए सनी धनी द प म प, सा धनी द प म प, ऐसे बजा सकते हैं, सा धनी ऐसे लेना है, नी को ध से लेना है, मीन के साथ ठहर जाओ। ये लाइन कंप्लीट, ये लाइन दो बार आएगी उसके बाद, कैसे तुम्हें रोका करूं, क्या सुर खींच के बजाए हैं। क्या लगता है आपको, आपको आना ही है क्योंकि इससे सरल तरीका कोई है ही नहीं।
कैसे तुम्हें रोका करूं निधरे रे रे, कैसे तुम्हें रोका करूं निधरे रे रे, गसानी सा कैसे तुम्हें नी नी धरे नी ध से रे मी रे, कैसे तुम्हें रो का करू रो का करू रे ग सा नी सा ग सा नी सा ऐसे रो का करू आला पाठ है। कैसे तुम्हें रो का करूं तो ऊ तो इसके लिए धनी धनी ध प्ले करना है। एडवांस करना हो तो सा धनी, ठीक है। ये जो बजाया हमने अभी तक जो हम सीखे वो सेम पूरा रिपीट कर देना है। एक बार गा के सुना दूं, पहला पार्ट हो गया, उसके बाद मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरू, दो पार्ट सेम है। उसके बाद आगे बिन बोले पाते तुमसे करू तो आहा, बिन बोले तो धसा धस ऐसा मीन लेना है, मतलब हम खींच के धसा ग ग म म शुद्ध है और सही से बजाना है, तभी वो इफेक्ट आएगा और सुनने में मीठा लगेगा। ज्यादा खोलेंगे या कम खोलेंगे तो मजा नहीं आएगा। बिन बोले धसा ग ग म ग तुमसे करू, तो जो बादे तो यहां तक आना है म ग म ग रे, पहले से बोलो बिन बोले बादे, यहां तक पूरा हुआ तुमसे करू, निधरे रे सा तुमसे करूं निधरे रे सा, ऐसे कर सकते हो निधरे रे सा, एक बार क्लिक करके सा बजाना है। अगर तुम साथ हो पद सानी धनी सनी ध, पूरे ही सुर बोल गया, फिर से देखो। अगर तुम साथ हो पद सा, यह से करना है। अगर तुम साथ हो अगर तुम साथ हो बहती रहती
निशा निशानी निशानी ध निशानी ध निशानी निशानी ध नहर नदियाँ सी रे 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 सगर सा हमने सीखा लहर नदिया सी तेरी दुनिया में अब मेरी दुनिया है तेरी चाहतों में मेरी दुनिया सा सा ग म सा से ग सा ग ग म ग रे मेरी दुनिया है तेरी चाहतों में रे ग रे सानी ध ध्यान से देखिए तेरी चाहतों में वैसे कमेंट आती है इसीलिए हिंदी सॉन्ग का ट्यूटोरियल मुझे बनाना चाहिए ऐसा लगता है लेकिन मैं ज्यादातर भजन कीर्तन पे बनाता हूँ ठीक है इसीलिए कमेंट उस तरीके से करना फिर भी आपकी खुशी के लिए मैं बनाता हूँ ये फ्रेज दो बार रिपीट करना है मैं डल जाती हूँ सेम लाइन आती रहती है उसके बाद तेरी नजरों में है मेरे सपने अब ये रिपीट आता है कैसे प्ले करना है देखो यहाँ मंत्र का म यूज करना है वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया उस तरीके से मंत्र सप्तक का म ऐसे बजाना है एक बार लेना है देख लो प ध ध ध ध नि ध प म प प ध ध ध नि ध प म प तेरी नजरों में मेरे सपने तो प ध ध ध ध नि ध प प ध ध ध ध नि ध प म प प ध ध ध ध बस इतना प्ले करना है हो गया उसके बाद होती लफ्जों की धोखेबाजी तो अलंकार के जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा आ जाएगा प ध ध सा 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 प ध ध सा सा नि सा नि ध ध सा नि ध प कैसे करना है प प प प ध नि नि ध नि तरीका क्या है प प ध नि निशानी यहाँ पे निशानी प्ले कर देना है दूसरी बार में देखो प प ध नि नि निशानी प प ध नि निशानी ध्वनि ऐसे बजा सकते हैं उसके बाद या ना हो नी ध्वनि
धनी धनी। फुल सॉन्ग का ट्यूटोरियल हो गया, अब मैं क्रिकेट खेलने जा सकता हूँ। या सबसे आसान तरीके से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है कुलदीप फ्रॉम द गुजरात और भावनगर सिटी से। स्माइल।